नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको ऐसी खास आदतों के बारे में बताऊंगी कि 2024 अगर आप इन आदतों को अपने लाइफ में उतार लेते, अपने ज़िंदगी में उतार लेते, तो ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं ज़िंदगी में जो आपको नहीं मिल सकती। जी हाँ, खास आदतें जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी, केवल इन उपायों को और इन आदतों को अपने लाइफ में आप शामिल अगर कर लेते हैं तो। क्या क्या है वो आदतें, मैं इस बारे में बात करूंगी। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। माता रानी की कृपा से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोज़ का, ताकि चीज़ें बेहतर सबके लाइफ में हो पाए और वो आपको दुआएं दें। कौन सी ऐसी खास आदतें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में बदलनी चाहिए, और अगर पहले से हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देख लीजिए क्या क्या आदतें आप में हैं और क्या आपको बदलनी है। सबसे पहली अगर आप आदत जिसके बारे में बात कर रही हूँ, आपको पता है इन आदतों से आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। जी हाँ, बहुत आश्चर्य हो रहा है ना मेरी बात सुनकर, लेकिन आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर इन आदतों को आप 6 महीने भी रूटीन में अगर डाल लेते हैं और आप खुद ब खुद रिजल्ट इसके देख पाएंगे। आदतों को बदलने में सबसे पहली आदत यह है कि सुबह जल्दी उठना। मान लीजिए जो व्यक्ति 9 बजे सोकर उठता है वो 7 बजे सोकर 7 बजे सोकर उठे, जो व्यक्ति 8 बजे उठता है वो 6 बजे उठे। 5:30 से 6 बजे के बीच का रूटीन एक रख लीजिए कि जिस वक्त आपको सोकर उठना है। सुबह जल्दी सोकर उठेंगे, जल्दी नहाएंगे और सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर अर्घ नहीं दे पाते तो हाथ जोड़कर सूर्य देवता को प्रणाम करिए। अपने एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस के लिए थोड़ा देर भी, 5-10 मिनट अपने शरीर को वक्त दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, सूर्य प्रणाम करिए। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दूसरी आदत, नहाते वक्त अपनी पानी में, नहाने वाले पानी में इन चीज़ों को ज़रूर मिला लीजिए। सोमवार का अगर आप दिन है तो कच्चे दूध मिलाकर पानी के अंदर नहाइए। मंगलवार का दिन है तो रक्त चंदन थोड़ा सा मिलाकर पानी के अंदर नहाइए, या फिर गौमूत्र मिला के नहाइए। बुधवार के दिन इलायची डालकर पानी के अंदर, इलायची का जो पानी है उसे बॉयल करके नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाइए, या फिर डायरेक्ट इलायची भी आप ले सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी मिलाकर पानी में नहाने से पैसों की भी बरकत होती है। अगर शुक्रवार है तो रोज़ का इतर या गुलाब जल आप पानी में डालकर ज़रूर नहाइए। शनिवार के दिन गौमूत्र डालकर नहाइए और रविवार के दिन रक्त चंदन वापस से मिलाकर नहाइए। इतना करने से ज़िंदगी में जितनी भी ग्रहों की समस्याएं चल रही होंगी ना, तो वो धीरे धीरे खत्म होती हुई आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन नहाया फिर आप एक सप्ताह कर लिया उसके बाद आप भूल गए, वापस से आपको लगेगा अरे मैंने तो ये नहीं किया, कुछ भी असर नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। कम से कम किसी भी उपाय को 3 महीने तक करेंगे तो ही उसका असर आपको समझ में आता है। तीसरी आदत, अगर आप जानवरों को खाना खिलाते हैं ना, तो आपको कभी भी मुसीबतों का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली रोटी जब घर पर बने तो उसे आप गाय को दीजिए गुड़ के साथ, और अगर आखिरी रोटी जो बचती है वो कुत्ते को खिलाइए। अगर घर पर रोटी नहीं बन रही है, बाहर से लोग लाते हैं आजकल, समय नहीं मिल पाता उनको, तो आप कम से कम बिस्किट कुत्ते को खिलाइए। चींटियों को कहीं पे भी पेड़ के नीचे थोड़ा सा चीनी का जो चूर होता है उसे ले जाकर वहाँ पे आटे के साथ मिलाकर रखकर चले आए, वो चींटियाँ भी खाना खाएंगी। मधु दे सकते हैं आप चींटियों के लिए। तो इन खाना जानवरों को ज़रूर खिलाइए, चाहे वो कोई भी पेट हो। गौशाला में जाने का नियम बनाइए, वहाँ जाकर महीने में एक बार कम से कम घी का दिया जलाकर ज़रूर आए। सिंदूर भरना बिल्कुल ना भूले। महिलाएं जो सुबह उठती हैं, नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर ज़रूर भरे, और आप लड़के हैं, पुरुष हैं, तो आपको अपने मस्तक के बीच में तिलक ज़रूर करना चाहिए। रोली का तिलक हो, केसर चंदन का तिलक हो, या फिर आप अश्वगंधा के तिलक लगाते हो। घर से कभी भी खाली पेट नहीं जाना है, कुछ ना कुछ खाकर, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, कुछ नहीं मिलता तो वो खा लीजिए, एक बिस्किट खाकर निकलिए, कुछ भी खाइए, खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। घर से लड़ाई झगड़े कर बिल्कुल नहीं निकलना है, चाहे जितनी भी परिस्थितियां खराब हो। कोई लड़ाई कर रहा हो तो आप थोड़ी देर के लिए घर के व्यक्ति को बैठा दीजिए, पानी पिलाइए, कहिए कि भैया जो भूल चुक हुआ क्षमा करो, माफ़ करिए, और लड़ाई नहीं करते हैं, बिना लड़ाई किए घर से जाए। उसके बाद अगर आप कहीं पर भी
मतलब कोई अगर पैसे की ज़रूरत है, किसे पैसे आपके कहीं पे फंसे हुए हैं और आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और आपको ऐसा कोई सफाई कर्मचारी मिल जाता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जिसे पैसे की ज़रूरत है, अगर वो आपसे मांग ले तो उसे ना कभी नहीं कहना है। जितने भी आपकी परमिट करती है पॉकेट, उतने पैसे उसको कम से कम आप देख कर निकले। इसके अलावा घर से जब हस्बैंड काम पे जाते हैं तो वाइफ को पैसे नहीं मांगने चाहिए। जी हाँ, कि पैसा दे दो मुझे, मुझे कुछ पैसे रख कर जाओ, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकम का जो सोर्स है वो कम हो जाता है। उल्टा वाइफ को हस्बैंड को पैसा देकर भेजना चाहिए। अगर आजकल वाइफ्स भी कमाती हैं तो आपको पैसे घर पर पहले से ही रात के समय ही रख दे अगर ज़रूरत है तो, लेकिन सुबह निकलते वक्त पैसे ना मांगे, पैसे भर दे उल्टा, 1-2 रुपये हो सके तो पॉकेट में दे दे, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। आप जब भी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, गाड़ी जब निकालते हैं गैरेज से, आजकल तो लोग गाड़ी में ही जाते हैं अधिकतर, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो चाहे वो साइकिल हो, अगर आप घर से गाड़ी बाहर निकालते हैं काम से जाने के पहले, आपको याद रखना है कि गाड़ी को पीछे की ओर नहीं लेना, भले ही आगे जगह नहीं है, गैरेज में दिक्कत है, गाड़ी को आगे करके थोड़ा तब आप पीछे लीजिए। गाड़ी को जाकर ही आपने पीछे खींच दिया और उसके बाद आप काम पे जा रहे हैं तो ज़िंदगी में आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, आने वाली चीज़ें भी पीछे होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा गाड़ी को थोड़ा सा आगे करके ही पीछे करके निकालना चाहिए, और आगे जाने का रास्ता है तो पीछे करने की ज़रूरत ही क्या है, सीधा निकल जाइए। आपके घर पर मंदिर, आपके जो घर की है ना, निकलते के घर से निकलने के समय भगवान को प्रे करके निकलिए, उनको बोल कर जाइए कि भगवान आप मेरी रक्षा करें, तब उसके बाद आप घर पर घर से निकलिए। मंदिर में कभी भी अगर आप जाते हैं, जाने का हैबिट डालिए, महीने में कम से कम दो बार तो आपको 15 दिन में एक बार कम से कम मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जब भी जाएं खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाए। अगर आप खाली हाथ मंदिर जाते हैं तो भगवान भी आपको कैसे कुछ दे सकता है, तो इसीलिए कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। वैसे तो 5 जगहें हैं जहाँ पर हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनमें से है बेटी का घर, दोस्त के घर, गुरु के घर, मंदिर, या कोई खास रिश्तेदार, या फिर कोई खास फ्रेंड अगर आपका है, किसी के भी घर, जहाँ सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आपका बॉस के घर, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला मुझे दे तो वो मेरे लिए अच्छा हो, उस जगहों पर आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप चाहे घर पर बैठ के काम कर रहे हो, चाहे दुकान पर बैठ के कर रहे हो, या फिर किसी के अंडर में काम कर रहे हो, काम के रेस्पेक्ट आपको हमेशा करनी है। चौखट को चूमिए, अगर आपका दुकान है घर है तो चौखट को आप प्रणाम करिए, उसके बाद एंटर करिए काम, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आपका जो वर्क प्लेस है, जो डेस्क आपकी है, उसको वहाँ बैठकर हाथ जोड़कर प्रे करिए कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सक्सेस मिले। इससे आपकी बहुत उन्नति होना शुरू हो जाती है। पौधे ज़रूर घर पर लगाएं, पौधे अगर लगे हुए हैं तो रोज़ उसमें पानी ज़रूर दें। आपको कम से कम 2 लोगों को हर रोज़ कॉम्प्लीमेंट देना है, मतलब तारीफ़ करनी है। जी हाँ, आप तारीफ़ करेंगे तभी तो आपको तारीफ़ मिलेगी। कम से कम हर रोज़ 2 व्यक्ति को, ऐसे कोई व्यक्ति को देखिए जो सच में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और उसके काम से आपको, पूरे मोहल्ले को, हर एक इंसान को व्यक्तिगत रूप से बेनिफिट होता है। तो 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप जब घर वापस आते हैं तो शाम के वक्त कभी भी खाली हाथ घर पर नहीं लौटना, चाहे एक टमाटर ही क्यों ना आप लेकर निकले, या फिर आप कोई फल मिठाई लेकर निकले जाए, लेकिन घर पर ज़रूर से ज़रूर आपको खाली हाथ नहीं जाना है। सोने से पहले भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि आप अगर धन्यवाद करेंगे भगवान का तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। आशा करते हैं मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।